बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पास्ता प्लेटर बनाऊंगी। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। चिकन का मैंने हाफ ब्रेस्ट पीस लिया है, जिसको मैंने छोटे टिक्का पीसेस में कट कर लिया है। एक खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन पेस्ट ली है। आधा कप केचप, एक खाने का चम्मच मीठी चटनी, यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच सोया सॉस और 3 खाने के चम्मच विनेगर, दोनों को मिक्स कर लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया है। 2 खाने के चम्मच चाट मसाला, नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, धनिया। पास्ता मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते हुए मैंने पानी में नमक और ऑयल डाल लिया था। सब्जियों में मैंने 1 कप बंद गोभी ली है, आधा कप गाजर, आधा कप ब्रोकली, 1/4 कप येलो शिमला मिर्च, 1/4 कप ग्रीन शिमला मिर्च, 1/4 कप रेड शिमला मिर्च और 1 कप मैंने मटर लिए हैं। सब चीज़ें मैंने एक साथ दिखाई हैं। आगे जब अलग अलग चीज़ों में डालूंगी तब बताऊंगी कि किस में कितनी क्वांटिटी यूज होगी। अब मैं एक पैन में ऑयल लूंगी। पहले मैं चिकन तैयार करूंगी। अब ऑयल में चिकन और अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दें। चिकन को पहले अदरक लहसुन पेस्ट में पकाना है। सब्जियां आगे अलग से तैयार होंगी। चिकन का कलर अच्छे से व्हाइट हो गया है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। अब जो सोया सॉस और विनेगर मिक्स किया था उसमें से 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डालूंगी, 1 चाय का चम्मच सफेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। इसमें मैं 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। आप इसमें अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें आधा कप केचप डाल दें। और 1 खाने का चम्मच मीठी चटनी डाल दें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब 5 से 6 मिनट तक इसको कवर करके पकने के लिए रख दें। तब तक हम अपनी सब्जियां तैयार कर लेते हैं। अब एक अलग कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सारी सब्जियां डाल दूंगी। चूल्हा ज्यादा तेज नहीं करना, दरमियानी आंच रखनी है। अगर चूल्हा तेज होगा तो फिर सब्जियां जल्दी से नरम हो जाएंगी। सब्जियों को सिर्फ क्रिस्पी रखना है, इसलिए दरमियानी आंच रखनी है। सब्जियां ज्यादा गलानी नहीं है।
इसलिए इसको थोड़ा सा सिर्फ फ्राई करना है और चूल्हा जो है दरमियानी आंच पर रखना है। अब इसमें थोड़ा सा विनेगर और सोया सॉस डाल देंगे, बाकी हम पास्ते में डालेंगे। अब इसमें एक चाय का चम्मच चाट मसाला, एक चाय का चम्मच सफेद मिर्च पाउडर, तकरीबन मैंने एक चाय का चम्मच काली मिर्च डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दो से तीन मिनट तक सब्जियों को फ्राई करें। सब्जियां फ्राई हो गई हैं दो से तीन मिनट में, ये देखें ये कितनी क्रिस्पी हैं। अब मैं इनको अलग से निकाल लूंगी। अब जिस कढ़ाई में मैंने सब्जियां फ्राई की हैं उसी में मैं ऑयल डालूंगी। अब मैं इसमें जो पास्ता बॉईल किया था वो डाल दूंगी। पास्ता अच्छे से बॉईल है, अब बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। अब जो इसमें बाकी का सोया सॉस और विनेगर था वो इसमें शामिल कर देंगे, एक चाय का चम्मच चाट मसाला, एक चाय का चम्मच सफेद मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। अब सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मेरी इटालियन रेड सॉस पास्ता की रेसिपी भी जरूर देखें, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे देती हूँ। अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, आप धनिया की जगह हरा प्याज भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें कलर आना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पास्ता अच्छे से फ्राई हो गया है, अब चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन भी बिल्कुल तैयार है, अब इसको निकाल लेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सब चीजें तैयार हैं, अब इनको डिश आउट करेंगे। अब कोई भी एक डिश ले लेंगे जिसमें आपने सर्व करना है वो डिश ले लें, और सबसे पहले इसमें नीचे अपनी सारी सब्जियां फ्राई की हुई इसमें डाल दें। दरमियान से सब्जियों को थोड़ा सा साइड पे कर दें। अब दरमियान में जो पास्ता तैयार किया था वो डाल दें। अब एंड में इसके ऊपर चिकन डाल दें। ये देखें पास्ता प्लेटर बिल्कुल तैयार है।
मेरा फेसबुक पेज द आर्ट ऑफ कुकिंग बाय अरूज लाइक करें, मेरा इंस्टाग्राम पेज कुकिंग अरूज फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।